आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी सब्जी जिसे मैं बनाने वाली हूँ अरबी से। और मैं यहाँ पर गोल अरबी यूज करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखना, आपको भी ये सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है, कुकर में वैसे बनाऊंगी तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है, ऑयल मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है ताकि ये सब्जी और भी टेस्टी बने और जो हमारा मसाला है, जो हमारी ग्रेवी है, वो काफी अच्छी रिच बने। अब मैंने यहाँ पर ये जीरा डाल दिया है। जीरा जब अच्छे से पॉप हो जाए तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज लिए हुए हैं और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो बस मैं यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने दूंगी और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन और इसे भी हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है, काफी अच्छे से खुशबू भी आने लग गई है। तो मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर दूंगी। तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और ये थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी ताकि सब्जी में एक अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और बस इसे 1 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे और 1 मिनट बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो बस ये 1 मिनट बाद मसाला अच्छे से भून चुका है तो मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम इसी तरह पकने देंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं तो हम यहाँ पर अरबी को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पर इसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूंगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके देखना और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसे इस तरह से कट कर लिया है और अब जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम ये अरबी इसमें डाल देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर ये अरबी ऐड कर दूंगी और बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और बस 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अरबी के अंदर तक चले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है मसाले से, आप देख सकते हैं। तो ये जो अरबी है वो अच्छे से मसाले में कोट हो चुकी है और काफी अच्छे से इसके फ्लेवर्स अंदर तक चले गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर 250 ml पानी ऐड कर रही हूँ और बस इसे हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर ढक्कन को लगा दूंगी और इसे एक बार अच्छे से मिक्स भी कर दूंगी। तो बस अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा रही हूँ और इसे 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से हमें पकने देना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर भी पकाएंगे। तो बस यहाँ पर इसका प्रेशर रिलीज हो गया है, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है, काफी रिच लग रही है आप देख सकते हैं और कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो बस इसी तरह से आप भी ये सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मैश भी कर सकते हैं, बिल्कुल करी स्टाइल में मैंने इसे बनाया है। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ और इसी तरह आप भी इसे बनाकर ट्राई कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे ताकि ये और भी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो बस आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी
और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।